अलीराजपुर का बोकाड़िया गांव आज पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है, क्योंकि दिवाली की रात यहां खून की होली खेली गई और इस बवाल में चार लोग अपनी जान गंवा बैठे। विवाद प्रेमी जोड़े के भागने की वजह से हुआ, वो भी उस प्रेमी जोड़े के जो 1.5 साल पहले अपने घर से भागे थे। बवाल की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर तत्काल SP के साथ पुलिस टीम पहुंची और मामले को संभालने की कोशिश की गई। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। चांदपुर थाना क्षेत्र के बकड़िया गांव में एक लड़का और लड़की पिछले 1.5 साल से भगे हुए थे। दोनों बालिक थे, जिसकी थाने में रिपोर्ट भी नहीं हुई थी, और दोनों के भगने के बाद दोनों परिवारों के बीच सामाजिक पंचायत बैठा था, उसमें पैसे की लेन देन की बात तय हुई थी और लड़की अपनी माँ की चांदी लेकर चली गई थी, तो पैसे की लेन देन की बात और मदर की चांदी वापस करने की बात को लेकर कल दोनों पक्षों में विवाद हुआ, लड़के के और लड़की के परिवार में। विवाद में फलिया और लठ चले, जिस कारण से दोनों पक्ष के दो लोग चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। तत्काल हमारी पूरी टीम, मैं स्वतः मौके पर जा करके आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। अभी तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और गांव में पूरा फोर्स लगा दिया गया है और गांव में शांति बनी हुई है। दरअसल गांव के ही एक युवक करीब 1.5 साल पहले अपने गांव की एक लड़की के साथ भाग गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों परिवारों ने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की। बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर से जाते वक्त मां की 1 किलोग्राम चांदी भी लेकर गई थी। रुपयों का लेन देन और चांदी वापस देने की बात पर दोनों परिवार के बीच विवाद हो गया। मामले को सुलझाने के लिए दिवाली की शाम को पंचायत बुलाई गई। इस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और धार धार हथियार और लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। हताहतों में 2 लड़के पक्ष के जबकि 2 लड़की पक्ष के शामिल हैं। फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। अलीराजपुर से चंद्रभान सिंह भदौरिया की रिपोर्ट MP तक।